अभी अभी की बड़ी खबर, आप कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आमने सामने। जी हाँ, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जब अन्ना के आंदोलन से राजनीतिक पार्टी बना रहे थे, तब उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर खूब निशाना साधा था। अब जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं, तो कांग्रेस इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहती। यही वजह है कि कांग्रेस शराब नीति के मुद्दे पर न सिर्फ अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर निशाना साध रही है, बल्कि पंजाब में भी शराब नीति में जांच की मांग कर रही है। जब सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो कांग्रेस ने आपके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया था, साथ ही सिसोदिया के इस्तीफे की मांग भी की थी। आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के मुद्दे पर साथ नहीं खड़े होने पर कांग्रेस की आलोचना की। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों चाहते हैं कि अन्य सभी राजनीतिक दलों का अस्तित्व समाप्त हो जाए। भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस कभी भी विपक्ष के साथ नहीं खड़ी होती है और केवल देश को मूर्ख बनाने के लिए भाजपा के साथ वाक युद्ध करती है। उधर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस शराब घोटालों की उचित जांच चाहती है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वे चुप क्यों थे? जब एजेंसियों ने हमें परेशान किया तो उनका क्या रुख था? सुप्रिया श्रीनेत का इशारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई की ओर था, जब इस मामले में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था। कांग्रेस के अलावा डीएमके और लेफ्ट ने भी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी से दूरी बना ली। डीएमके चीफ स्टालिन ने हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया था। इस दौरान तमाम विपक्षी दलों को न्योता भेजा गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के सीएम केसीआर और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को न्योता नहीं भेजा गया था। दरअसल तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन में सरकार है। यही वजह है कि स्टालिन पहले भी कांग्रेस विरोधी दलों से लगातार दूरी बनाते नजर आए हैं। उधर केजरीवाल को ममता बनर्जी का खुले तौर पर समर्थन मिल रहा है। ऐसे में लेफ्ट पार्टियों ने टीएमसी से पुरानी राजनीतिक अदावत को ध्यान में रखकर केजरीवाल से दूरी बनाकर रखी है। इस खबर को देख आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और इसी तरह की खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए न्यूज़ डेस्क से हिमानी की रिपोर्ट।